सुबह सुबह जल्दी उठने का मतलब एक स्ट्रगल है, खास करके आज के ज़माने में। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मैं बार बार हार जाता हूँ। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मुझे रात को सोना ही नहीं पड़ेगा और फिर अगले दिन काम करना और मुश्किल हो जाएगा। क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, या कोई सोल्यूशन ही नहीं है? जो भी लोग सक्सेसफुल है इस दुनिया में, उन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है कि वो सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कितने बजे सुबह उठना मतलब जल्दी होता है? क्या कोई सोचेगा सुबह 4 बजे उठना जल्दी है, कोई सोचेगा 6 बजे, कोई सोचेगा 8 बजे? पर मेरे लिए सुबह जल्दी उठना मतलब 9:30 या 10 है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं जॉब नहीं करता, इसलिए शायद मेरे लिए ये करना आसान है। पर उनका क्या जो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं, जिनको 9 या 10 बजे ऑफिस पहुँचना पड़ता है 2 घंटा ट्रैवल करके, ट्रेन से या बस से या बाइक से या कार से, कैसे भी। सब कहते हैं सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाओ, लेकिन अगर तुम रात को घर पे ही 10 बजे आते हो, खाना खाते खाते 11 और सोते सोते 12 या 1, और फिर सुबह जल्दी उठना है वापस 7 या 8 को, कैसे होगा यार ये सब? और ये सब के बीच में मोबाइल भी तो आ जाता है, सोने नहीं देता ना वो। एक रील, फिर एक और रील, फिर एक वीडियो, फिर एक लास्ट वीडियो, ये सब करते करते 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फैमिली को भी तो टाइम देना है ना। ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ संडे का दिन होता है जो पल के झपकते ही ख़त्म हो जाता है। अगर तुम ज़्यादा ही लकी हो तो सैटरडे भी तुम्हें ऑफ मिलेगा। पर क्या मतलब है इन सब बातों का? खैर, अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सो जाओ, मोबाइल कम यूज़ करो सोने के पहले, सोने के 1-2 घंटे पहले खाना खा लो, दोपहर के 4 या मैक्सिमम 5 बजे के बाद कॉफ़ी पीना बंद कर दो, सोने के पहले मेडिटेशन करो, हाथ पैर धो के सो जाओ, और जो भी चीज़ सोने में हेल्प करे वो करो। दारू नहीं, नेचुरल चीज़ें करो। नेचुरल में वीड नहीं आता, नेचुरल मतलब अपने शरीर के अंदर की चीज़ें, उसमें हिलाना नहीं आता। तो क्या करें, खुद के अंदर झांको, अकेले में टाइम स्पेंड करो बिना मोबाइल के, और बस सांसें लो, सांस अंदर सांस बाहर, सब ठीक हो जाएगा, होना ही पड़ेगा।